किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि दोनों मशीनों में किसान भाई को क्या गारंटी मिलेगी। सर दोनों में संपूर्ण गारंटी है अपनी मशीन की, एक साल की। इसका 450 किलो के करीब इसका वेट है और आगे वाला जो बैलेंस है इसका उसका 250 kg के समथिंग है। और यहाँ पर दो बेरिंग यहाँ पे दिए गए हैं सपोर्टिंग के लिए और पीछे भी यहीं बेरिंग है दो, और दो बेरिंग, एक बेरिंग यहाँ पे है और एक बेरिंग यहाँ पे है। तो मशीन कहीं से भी वाइब्रेशन का काम नहीं है, चाहे 6 इंची तक मोटी लकड़ी इसमें आराम से काट सकते हैं आप। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, जैसा कि आप ये वुड चिपर मशीनें देख पा रहे हैं, ये मशीनें दो मॉडल है जो आपको मैं आज इनकी संपूर्ण जानकारी दूंगा कि छोटी लकड़ी को किस प्रकार से कौन सी मशीन कट करेगी, बड़ी लकड़ी को कौन सी मशीन कट करेगी और इनकी संपूर्ण जानकारी कि इनके अंदर कितने ब्लेड है, कौन सा गियर है, कौन सी कंपनी का गियर है, किस प्रकार ऑपरेट होगी, कितने एचपी का ट्रैक्टर है, 1 घंटे की क्या कैपेसिटी है, छोटे वाले की क्या कैपेसिटी है, बड़े वाले की क्या कैपेसिटी, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो किसान भाइयों हमारे साथ है सर, तो सर आपको इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार ऑपरेट करना है, किस प्रकार चलाना है, कहाँ पर मिलेगी, किस प्रकार मिलेगी। तो सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम सुनील कुमावत है, फर्म का नाम है हरिओम इंजीनियरिंग वर्क्स जयपुर राजस्थान। किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि आप कितने सालों से किसान भाई के लिए ये मशीनें बना रहे हैं। सर वैसे तो अपनी कंपनी को 40 साल हो गए और जो लकड़ी वाली मशीनें है पिछले 20 साल से बना रहे हैं, बनाते बनाते आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि ये सबसे सक्सेसफुली जो लकड़ी वाली मशीन है वो ये है। तो जैसा कि हम ये वाली मशीन देख पा रहे हैं, तो इनमें मोटी लकड़ी वाली कौन सी मशीन है, छोटी वाली कौन सी है? सर मोटी लकड़ी वाली ये 6 जॉइंट वाली है और जो 3 इंची लकड़ी काटेगी वो ये 4 जॉइंट वाली मशीन है। तो जैसा कि ये अपनी छोटी लकड़ी काटने के लिए, तो जैसा कि मैं इसका चेचिस देख पा रहा हूँ वो भी बहुत ही हेवी है, तो इसके चेचिस के बारे में जानकारी। सर इसका चेचिस है करीबन 8 इंची लंबाई का, ये जो चौड़ाई है इसकी 8 इंची की है सर। और जैसा कि अगर इसके नॉर्मल बात करें तो कितने एचपी ट्रैक्टर से ऑपरेट होगा? नॉर्मल ये 35 HP के ट्रैक्टर से ऑपरेट हो जाएगा सर। 35 HP ट्रैक्टर से ये हो जाएगा। और अगर इसके लकड़ी की बात करें तो कौन कौन सी लकड़ी कट कर देगा ये? सर आप इसमें कपास की लकड़ी भी काट सकते हैं, मेहंदी की लकड़ी भी काट सकते हैं, 3 इंची तक मोटाई वाली कोई भी लकड़ी काट सकते हैं सर इस मशीन के अंदर। 3 इंची मोटी तक कोई सी भी लकड़ी काट सकते हैं। और जैसा कि मैं ये बेल्टे देख पा रहा हूँ, जैसे कि किसान भाई ने जो भी पीटीओ से कनेक्ट करते हैं, तो ये आपने 2 पुलियाँ लगा रखी है, तो इनके बारे में जानकारी देगी किस क्यों प्रकार क्यों लगा रखी है? सर ये 6 की पुली है, अलग अलग ट्रैक्टर के RPM के हिसाब से अपन इसको सेट कर सकते हैं सर यहाँ पे। यानी जैसा कि महिंद्रा के अंदर अलग सिस्टम आता है RPM का, मेसी के अंदर अलग वैसे यहाँ बिल्कुल आराम से अगर ट्रैक्टर दब रहा है तो अपन उसी हिसाब से भी सेट कर सकते हैं आगे लगा के। जैसे कि किसान भाई आप यहाँ पर एक सिस्टम देख पा रहे हैं, इन बेल्टों को इनके माध्यम से आप आसानी के साथ टाइट कर सकते हैं। बिल्कुल टाइट कर सकते हैं सर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी मशीन में व्हील भी बहुत ही हेवी है और वो भी बहुत ही मोटा है, और जैसा कि बैलेंस व्हील देख पा रहे हैं वो भी बहुत ही हेवी क्वालिटी का। और तो किसान भाई आपको भी पता है कि मशीन के अंदर जो जितना उसका मेन काम रहता है दिल और धड़कन, वो व्हील ही रहता है। जितना अधिक मोटा व्हील होगा उतना ही ट्रैक्टर पे कम लोड पड़ेगा, क्यों ना सर? अगर इसके व्हील के बारे की बात करें तो इसके व्हील के बारे में जानकारी दी। सर व्हील का करीबन वेट है 350 kg का और इसमें अपन ने हर जगह डबल डेबरी वाला सिस्टम कर रखा है ताकि अगर लकड़ी कटे कहीं पर भी कोई चोट आए या कोई लकड़ी हार्ड आए तो ये बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं होगा सर, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा। और अगर बैलेंस व्हील की वजन की बात करें तो बैलेंस व्हील का वजन करीबन 200 किलो है सर इसके अंदर। 200 किलो, जैसे कि आपने बताया कि 350 किलो इसका मेन व्हील का वजन बिल्कुल, है। तो फिर मशीन का कितना वजन होगा सर? मशीन में 1800 किलो वजन है सर इसमें। 1800 किलो वजन आएगा। और जैसा कि हम ब्लेड देख पा रहे हैं, तो सर मैंने बहुत ही कम मशीनों के अंदर ऐसी हेवी ब्लेडें देखी है, तो इसके बारे में जानकारी दें। सर ब्लेडें ये इसके अंदर अपन 10 mm की भी लगाते हैं, 12 mm की ब्लेड भी लगाते हैं इसके अंदर। तो सर जैसा कि मैं ये सिस्टम देख पा रहा हूँ ब्लेडों के बीच में, ये एक और ब्लेड इस पहली बार देख पा रहा हूँ, तो इसके बारे में भी जानकारी। तो सर अपन इसमें गीली लकड़ी काटते हैं ना, तो इसके अंदर जो वो छिलका रहता है वो यहाँ पर कई मशीनों में फंस जाता है, इसलिए ये ब्लेडें यहाँ लगाई गई ताकि वो छिलका आए और यहाँ जाम नहीं करे मशीन को। तो ये कितने mm ब्लेड हैं सर जी? सर ये 3 mm मोटी ब्लेडें हैं जी। ब्लेडें भी बहुत ही हेवी है, तो जैसा कि लकड़ी काटेंगे किसान भाई तो लकड़ी भी तो बहुत ही मजबूत रहती है सर, तो फिर ब्लेडें कितने समय तक चलेगी इसके बारे में जानकारी दें। सर ब्लेडें तो ये तो माल काटने के ऊपर डिपेंड करती है, इन पे धार लगाए जाओ ये ब्लेडें जब तक ख़त्म नहीं होती, इनके होल है आराम से लगभग यहाँ तक ये ब्लेडें चलती है सर।
लास्ट तक यानी दार लगा कर इसे चला सकते हैं। बिल्कुल। अगर कुछ समय चलने के बाद में किसान भाई को किसी मशीन के पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वो ब्लेड मंगवाना चाहता है, तो वो उपलब्ध हो जाएगी फिर बाद में? बिल्कुल, अगर राजस्थान से बाहर से है तो कोरियर लगाना पड़ता है, या कोई अगर बस सेवा है या ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ से भिजवा देते हैं, और अगर अपन राजस्थान से है तो आराम से बस के अंदर डाल देते हैं, वहाँ पर पार्सल कलेक्ट कर लेते हैं। सर जी, अगर वो ट्रॉली के अंदर सीधा लोड करना चाहता है तो इसकी जमीन से कितने फुट भूमि किसान भाई को साथ में मिलेगी? 10 फीट की ऊंचाई का रहता है सर, आराम से अपन बड़ी गाड़ी भी भर सकते हैं, और ये दो अपन इसके साथ में देते हैं, या तो इससे भी गाड़ी बढ़ जाती है, अगर फिर भी नहीं होती है तो ये एक और अलग से एक्स्ट्रा और देते हैं, आराम से लगाइए, और 10 फीट करीबन ये इसकी हाइट हो जाती है सर। 10 फीट इसकी हाइट हो जाती है। तो जैसा कि सर सबसे महत्वपूर्ण रहता है कुट्टी मशीन को चलाने के, उसका जो महत्वपूर्ण भाग रहता है उसकी गियरबॉक्स का रहता है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जहाँ तक मैंने आज तक जहाँ गियरबॉक्स की मेरे को नॉलेज है, तो सबसे बेस्ट रहता है ट्विंकल का 3 स्पीड, जो कि मैं देख पा रहा हूँ आपने हंडी वाला वही गियर लगा रखा है। तो इसके अंदर कितने क्या सुविधा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे किस प्रकार चलेगी, किस प्रकार मोटेगी, वो जानकारी दे सर। इस गियर को अपन हर जो मेरी जितनी भी मशीन है उन सभी में यही गियर लगाते हैं, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस भी कम आता है, ना कोई शिकायत का काम आता है, और अगर अपन को कटिंग जिस हिसाब से लेनी है तो ये फर्स्ट पे कटिंग बारीक आएगी, सेकेंड पे बड़ी कटिंग आएगी, और थर्ड पे लगाएंगे तो और बड़ी कटिंग आ जाएगी। तो किसान भाई, आपको यहाँ पर टूल बॉक्स मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक जबाड़ी है, मैं देख पा रहा हूँ ये जो आपने ये जो पट्टा लगा रखा है बेल्ट वाला, ये बहुत ही हेवी और अच्छी क्वालिटी का है, मैं ये फर्स्ट बार देख पा रहा हूँ, बहुत ही मजबूत है। और ये जैसा कि ये रोलर आपके देख पा रहा हूँ, ये भी बहुत ही अलग है, जैसे दाब की देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखे एक या दो ही स्प्रिंग दाब की देखी, लेकिन आपने 3 लगा रखी है, और इसकी लेंथ भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके बारे में जानकारी दें सर। ये बेल्ट तो अपन इतना मजबूत लगाते हैं कि शायद ही मेरे हिसाब से इंडिया में कोई ऐसा बेल्ट लगाता है इन मशीनों में, लकड़ी काटने वाली के अंदर। और ये जो 3 दाब का काम है, ये क्योंकि लकड़ी काटते हैं अपन को, ये तो जवार बाजरी तो काटने का काम है नहीं इन मशीनों का, लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि वो मशीन को हिला देती है, तो इसलिए 3 दाब इसलिए कर रखा है ताकि रोलर बिल्कुल बराबर रहे और लकड़ी आराम से अंदर जाए सर। और रोलर कितने रोलर लगा रखे हैं सर? रोलर इसके अंदर सर 4 जॉइंट का, ये जो 4 जॉइंट की मशीन है सर ये। तो किसान भाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ जहाँ पर आप अपनी लकड़ी रखोगे उसके नीचे ये जो देखिए कि एंगल भी बहुत ही हेवी लगा रखी है, फुल सपोर्ट मिलेगा किसान भाई आपको। सर मशीन की गारंटी की बात करें तो मशीन की सर 1 साल की फुल गारंटी है सर, फुल गारंटी। जैसे ही हम इस मशीन के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और जैसे ही हम अगली मशीन की तरफ आते हैं, इसकी चेचिस की बात करें तो उससे भी बहुत ही हेवी क्वालिटी का है, अगर इसकी गियर की बात करें तो उससे भी डबल हेवी है, और व्हील की बात करें तो वो भी लाजवाब बहुत ही हेवी क्वालिटी का व्हील। अगर इसकी चेचिस के बारे में बात करें, इसकी चेचिस के बारे में बताइए सर। 4 जॉइंट वाले में 8-3 का के अंदर 10-3 का चेचिस है सर ये। और अगर इसके व्हील की बात करें तो उससे डबल हेवी इसका व्हील है, और अगर इसकी ब्लेडे की बात करें तो ब्लेडे भी बहुत ही हेवी है, और लंबाई की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा है, और जैसा कि सापट पे हम सपोर्ट देख पा रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। तो इनके व्हीलों के बारे में जानकारी दे, इसका कितना वजन है? और इसका 450 किलो के करीब इसका वेट है, और आगे वाला जो बैलेंस है इसका उसका 250 kg के समथिंग है, और यहाँ पर 2 बेरिंग यहाँ पर दिए गए हैं सपोर्टिंग के लिए, और पीछे भी यहाँ बेरिंग है 2, और 2 बेरिंग, 1 बेरिंग यहाँ पे है और 1 बेरिंग यहाँ पे है, तो मशीन कहीं से भी वाइब्रेशन का काम नहीं है, चाहे 6 इंची तक मोटी लकड़ी इसमें आराम से काट सकते हैं आप। यानी 4 बेरिंगों में किसान भाई को ये मशीन मिलेगी? बिल्कुल। अगर इसकी ब्लेडों की बात करें तो ब्लेडों के बारे में जानकारी? इसके ब्लेड सर 12 mm मोटे हैं सर। 12 mm मोटे, ये भी जितने बिल्कुल कम तक भी ये चलेंगे, दार लगाओ और चलाते रहो। तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं उसमें और इस गियर में, जैसे कि उसमें 4 जॉइंट थे, इसमें 6 जॉइंट है, और इसका गियर बॉक्स भी उससे डबल है, तो इसके बारे में जानकारी दे सर। ये क्यों है, किसान भाई को इससे क्या प्रॉफिट मिलेगा? सर उसकी कैपेसिटी मात्र 3 इंची तक लकड़ी काटने की थी, और इसकी है 6 इंची तक लकड़ी काटेगी है, तो इसके अंदर उससे बड़ा गियर है, वो 4 जॉइंट की थी, 4 जॉइंट 4 रोलर की, ये मशीन है 6 जॉइंट 6 रोलर की मशीन है सर। 6 जॉइंट 6 रोलर की ये मशीन है, और इसमें भी फर्स्ट सेकंड 3 स्पीड में सेम वही सिस्टम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी? इसके अंदर अपन 8 घंटे में आराम से 40 से 45 टन माल ले सकते हैं इसके अंदर, इस मशीन के अंदर। देख पा रहे हैं इसमें रोलर थोड़े अलग डिजाइन के हैं, तो इनके बारे में जानकारी दे, और लंबाई भी इनकी ज़्यादा है सर उस मशीन से, इस मशीन के अंदर 3-4 इंची की लंबाई और चौड़ाई का इसमें फ़र्क है सर। और जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपनी लकड़ी के लिए पीछे सपोर्ट भी दे रखा है, और जैसे ये आपका जो ये बेल्ट है अगर ये लूज़ होता है तो उससे आप इनकी सहायता से टाइट भी कर सकते हैं। किसान भाई को ये जानकारी दीजिए कि दोनों मशीनों में किसान भाई को क्या गारंटी मिलेगी? सर दोनों में संपूर्ण गारंटी है अपनी मशीन की 1 साल की।
और जैसा कि मशीन के साथ, दोनों मशीनों के साथ, इस मशीन के साथ क्या मिलेगा, उस मशीन के साथ क्या मिलेगा? जो आइटम इस मशीन के साथ मिलेगा वही आइटम इस मशीन के, जो एक अपने इसमें एक ब्लेड लगा के देते हैं, एक ब्लेड सेट एक्स्ट्रा देते हैं, साथ में एक जबड़ी भी एक्स्ट्रा देते हैं। और धार देने के लिए आप लाइट वाला बिल भी ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाला बिल। वो और गियर बॉक्स में जो ऑयल ग्रीस होता है वो अपन कंप्लीट करके देते हैं सर। और अगर इसके अलावा किसान भाइयों को कुछ पार्ट चाहिए मशीन के साथ, इसके अलावा भी कोई पार्ट चाहिए, अगर कोई ख़राब हो जाता है तो साल भर तक तो हम प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद अगर चाहिए तो हमें एड्रेस बताइए, हम वहाँ पर भिजवाएंगे सर। किसान भाइयों, सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके आप मशीन खरीद सकते हैं। और सर मशीन कितने दिनों में उनको मिल जाएगी? मशीन ये सर 2 से 3 दिन में मिल जाएगी आराम से आप। 2 से 3 दिन के अंदर और ट्रांसपोर्ट से आने में 2 से 5 दिन में आपके पास मशीनें पहुँच जाए। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये मशीनें आपको पसंद आएगी। और ये जो 2 मशीनें आपने देखी है, सबसे बेस्ट आपको कौन सी मशीन लगी वो भी कमेंट करें, और आप हमारा आने वाला वीडियो किस टॉपिक पर रहना चाहिए वो भी कमेंट करें। अगर इन मशीनों से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है, इनकी सेटिंग के बारे में जानकारी, कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही कमाल के और शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।